5:30 5:30 छत पे मैं बैठा हुआ क्योंकि मेरी रात ही नहीं मैं रात को सोया बिल्कुल भी नहीं आज का दिन बड़ा अजीब गुजरेगा जाग जाग के गुजरेगा बल्कि सो सो के गुजरेगा अल्लाह करे अच्छा गुजर जाए मैंने सोचा था भागने जाऊंगा जॉगिंग लेकिन अब नहीं जाऊंगा क्योंकि थका हूं अभी भी सूरज निकल रहा है बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है मेरा अब दिल कह रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठा करूँ इस्लामाबाद का मौसम ऐसा हुआ हुआ है जिस तरह कि आप कभी लंबे टूर पे मोटरवे की तरफ जाएं तो पेट्रोल पंप पे आप जब रुकते हैं तो साइड से गाड़ियां गुजर रही होती हैं तो वैसा मौसम हुआ हुआ है पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है सुबह का वक्त है क्योंकि मुझे अपना लाहौर का ट्रिप याद आ गया मैं आई थिंक सो 2014 में गया था लास्ट टाइम लाहौर तब का ट्रिप मुझे याद आ गया हमने कोरे गाड़ी को धक्के लगाए थे मोटरवे पे सुबह के हो रहे हैं 10:40 और चली धूप है। हेलो जी बाइक निकल गया अभी तो मैं जा रहा हूँ अभी मेडिकल स्टोर मेडिसिन लानी है इसलिए पिंडी मैंने जाना है लेकिन उसके बाद पहले चाचू की तरफ जाना है फिर पिंडी जाना है मिलते हैं फिर आपसे अभी मेडिकल स्टोर पहले मेडिसिन लें हम लोग बचपन में गेम खेला करते थे हम लोग इसी गली में मैं बचपन मेरा सारा इसी गली में गुजरा है तो मेरे सामने छोटे बच्चे खेल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है शयान शयान आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है चलो उसकी ओए शॉट हम भाई आए हम जिस रास्ते से जाएंगे हम उस रास्ते से नहीं क्योंकि वहाँ पे पुलिस बैठी हुई थी और इस वक्त मेरे पास हेलमेट है सिर्फ ना लाइसेंस है ना कॉपी है बाइक तो फौरी से बेहतर है रास्ता लंबा अपना लेते हैं कोई मसला नहीं हेलो जी मैं अभी मेडिसिन लेके घर आ गया अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ने पिंडी हाँ पिंडी तो अभी बिल्कुल अभी मैं पहुंचा हूँ हेलमेट मैंने रखा है और सामान हमारा सारा सेट किया है और अभी मैं मुसब के ऑफिस पहुंचा हूँ लेकिन पता चला है कि मुसब लोग फारूक के हॉस्टल में बैठे हुए हैं तो मैं उधर जा रहा हूँ छोटी सी फारी होगी साथ ही है शमशाबाद में हेलो जी हम फारूक के हॉस्टल पहुँच गए रास्ते में एक्सीडेंट भी हुआ था फिर हमने बड़े एहतियात से बाइक चलाया पिंडी में वैसे भी बाइक वालों की कोई कदर नहीं है कोई कहीं से पहले तो आपको ठोक देगा आपकी गलती होगी ठीक है पहुँच गया खैर खैरियत से अपना एक फंडा है कि पढ़ाई के बाद पढ़ाई खेल के बाद खेल और ब्लॉग के बाद ब्लॉग तो पढ़ाई के साथ ब्लॉग नहीं हो एक एक शॉट ले लेंगे लेकिन हो गए ठीक है मिलते हैं फिर आपसे हेलो जी 1:03 हो रहे हैं और हम नाश्ता करने जा रहे हैं किसी हाँ। उन्होंने नाश्ता नहीं किया मैंने 8 बजे का नाश्ता किया तो अब बस कि मेरे चार्टिकल पार 2:05
हैं हारने वाले हजरत गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तू मजा देता है तू मेरे को देखे। चल एक शेर इधर से हुआ दूसरा शेर हमारी पार्टी का होगा। चल करू मुझे नहीं आता कुछ मजा उतना था तू मेरे को लेके बैठे को देखा। अपने दोस्त से क्लास लेने के बाद अब हम मानी की गाड़ी चलाने जा रहे हैं। हेलमेट पहन सुबह के 4 बजे इधर आए हैं, 8 बजे 25 मिनट हो गए हैं, उनके 8:30 हो गए हैं। बाहर सारे गए हैं इधर, मैं अकेला बाहर गए हैं क्योंकि बाहर ये क्लोजिंग करती है इनोवेटिया की। फेडरल यूनिवर्सिटी का इनोवेटिया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का होता है, रेगुलर मतलब कि हर साल होता है। पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल हम गए थे इसलिए हम इसमें एक बार पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बार हमने पार्टिसिपेट किया तो हम इधर 8:30 बजे तक रुके हैं। संडे का दिन है मेरे को था, सुबह का मैं जा रहा हूँ, रात मेरी हुई नहीं, सुबह का मैं जा रहा हूँ और मैं अभी 8:30 पे खड़ा हूँ। अभी घर जाऊँगा थोड़ी देर में, जिस चीज़ के लिए खड़े थे वो बैंक खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रात के बज रहे हैं 9:24 और मैं इस पर व्लॉग एंड करूँ क्योंकि इससे ज़्यादा तो लाइव इंटरेस्टिंग है नहीं। अब हमारी सोना है, कल रात को भी रात नहीं हुई तो अब सोना है। मिलते हैं फिर आपसे, नहीं फिर मिलेंगे चलते चलते। तीना बिस्मिल्लाह।